मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त भगवान सिंह भवानिया के आप संस्मरण सुन रहे हैं। भगवान सिंह भवानिया हनुमान सेतु लखनऊ में पुजारी पद को सुशोभित कर चुके हैं। चलिए कैसे बने भगवान सिंह भवानिया महाराज जी के अनन्य भक्त, चलते हैं उनके अतीत में। भगवान सिंह भवानिया कुमायूं क्षेत्र नैनीताल क्षेत्र है जो उत्तराखंड में, वहां किसी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। जन्म जब हुआ, बचपन उनका जब था, तो उस समय उनकी माता और पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए। बच्चा जब मां बाप दोनों बचपन में चले जाएं, तो कुछ संकटग्रस्त अवस्था हो जाती है। उसके भाई और भाभी परिवार में उनके भी बच्चे, अब जो उनका लालन पालन था वो परिवार में तो हो रहा था, लेकिन बहुत कठिनाइयों के साथ। घर के काम भी उनको करने पड़ रहे थे, खेत खलियान के काम भी जो जो बड़े हो रहे थे उसमें भी हाथ बटाने की कोशिश हो रही थी। काम जो उन्हें करने पड़ रहे थे वो आप समझ गए होंगे कि बचपन की सीमा से थोड़ा सा और ऊपर थे। एक तरफ स्कूल जाना भी लगातार जारी था, लेकिन उस दिन उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके अपने ही भाई ने यह कह दिया कि अब मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए फीस नहीं है। जो उनकी भाभी भाई का व्यवहार उनके प्रति हो रहा था तो बहुत परेशान थे। यही कोई 12-13 साल की उम्र होगी जब वो अपने घर के वातावरण से बहुत दुखी होकर घर से निकल जाने की सोचने लगे। आप देखते हैं अक्सर जब बच्चा परेशान हो जाता है घर से तो कई बच्चे भाग जाते हैं, और ऐसा ही भगवान सिंह के साथ हुआ कि वो वहां से घर से भाग गए। घर से भागने के बाद पेट साथ जाता है और पेट में लगती है भूख, और भूख मिटाने के लिए कुछ काम करना ही पड़ता है। भगवान सिंह को कोई काम नहीं मिला, बच्चा थे, बचपन था, 12-13 साल बचपन ही कहेंगे हम, तो जो सड़क का मरम्मत का काम हो रहा था उधर घूमते घामते पहुंच गए। उन्होंने जो वहां पर काम कर रहे थे लोग, व्यक्ति काम कर रहे थे, उनके बीच स्वयं काम करने की इच्छा प्रकट की। सड़क पर पानी पिलाना है, बोझा इधर से उधर देना है, ये जो काम उसकी क्षमता में थे वो काम वहां पर करने लगा भगवान सिंह। अब उस समय जो काम कर रहे थे, हालांकि जब लड़का छोटा होता है तो काम भी लगभग वही देते हैं, लेकिन जब ऐसा बच्चा जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ हो, तो कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के भी होते हैं जो उसकी क्षमता से अधिक भार दे देते हैं। होता क्या है कि वो कुछ दिन वहां सड़क पर काम करते हैं, सड़क पर से फिर किसी और के साथ कोई आदमी अच्छा मिल जाता है तो होम सर्वेंट की तरह ले जाता है उनको, फिर वो होम सर्वेंट रहते हैं, वो भी ज्यादा इति वहां पर होती है तो फिर उनके दूसरी जगह काम होने लगता है। बहरहाल हो चल रहा है उनके साथ एक से दूसरे मालिक के बदलने का क्रम, और उनके बाल श्रम की ये कहानी लगातार चल रही है। श्रम
और कठिनाई दो उनके साथी बन चुके हैं। अब उन्होंने घर में काम न करने के विपरीत एक दूसरा कदम उठाया है। आपने देखा होगा कि होटलों में लड़के काम करते हैं, वो किसी होटल में लग गए और वहां पर अपना काम शुरू कर दिया। जो वेटर का काम होता है वो काम करने लगे। अब वो भी काम चल रहा है, उम्र बढ़ रही है धीमे धीमे। वहां पर कोई ग्राहक आया होगा, उसने उनके सदव्यवहार को देखते हुए, अच्छे व्यवहार को देखते हुए, तो उनके मित्र एक बरेली में डॉक्टर थे, तो उनसे कहा कि बेटा तुम यहाँ होटल में काम करते हो, आप बरेली में अगर काम करो तो एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ आपको अच्छा काम मिल जाएगा। यहाँ पर तुम्हें जो मेहनत पड़ती है, जो काम आप जानते हैं कि जब होटल में काम करें तो सामान देना है, ग्राहकों को करना है और सब काम होता है, तो उसमें जो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं तो सो नहीं पाते, ऐसी कुछ स्थिति उनके साथ भी थी। और होटल में उनके सदव्यवहार को देखते हुए उसने ही कहा ग्राहक ने कि आप ऐसा करिएगा कि बरेली में आप चले जाइएगा और बरेली में एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ आप काम अगर करें तो आपको आराम भी मिलेगा और काम भी सही से हो जाएगा। भगवान सिंह ने सोचा कि ठीक है ऐसा करते हैं। वो वहां से नौकरी छोड़कर डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंच गए और डॉक्टर साहब के यहाँ जब उन्होंने नौकरी की तो वहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा उन्हें। अब उनको काम जो करना पड़ता था घर में, इसके बाद उनको सोने का समय मिल जाता था, मन को शांति मिलती थी, उन्हें वहां पर अच्छा लगने लगा। मित्रों, जब वो डॉक्टर के यहाँ काम कर रहे थे तो उस समय महाराज जी का आगमन होता है वहां पर। बाबा नीम करोड़ी जब आते हैं तो फिर भगवान सिंह से भी मुलाकात होती है। तो उस मुलाकात में महाराज जी से क्या बात होती है, मुलाकात का दौर किस तरह से हुआ है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारा अगला। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।